लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट, आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि नीचे प्लेसेंटा होना या लो प्लेसेंटा होना क्या होता है। इसी को हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो क्या होता है लो लाइन प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया? इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या चीज होती है। प्लेसेंटा वह स्ट्रक्चर होता है जिससे कि जो बच्चा होता है वह माँ की बच्चेदानी से यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। इसी के जरिए माँ से बच्चे के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीज़ें माँ से बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं। तो प्लेसेंटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली जब डिलीवरी होती है तो बच्चा निकलने के बाद पीछे पीछे प्लेसेंटा भी निकल के आ जाता है, इसीलिए इसे हम आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। तो ये तो हुआ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की जो लोकेशन होती है इनिशियल मंथ्स में, यानी कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, शुरू के 3-4-5 महीने तक प्लेसेंटा नीचे हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। परंतु जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, बच्चेदानी बड़ी होती है, और उसी के साथ साथ प्लेसेंटा जो होता है वह नीचे के हिस्से में पाया जाने की जगह बच्चेदानी के ऊपर के हिस्से में पाया जाता है। उसकी जो लोकेशन होती है वह बच्चेदानी के ऊपर के हिस्से में होती है, जैसे कि हम नॉर्मली ऊपर जो नॉर्मल प्लेसेंटा है वो इसी प्रकार का होता है। किंतु अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के अंदर निचले हिस्से में है, नीचे की तरफ है, यानी वह जो बच्चेदानी का निचला हिस्सा जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसकी इंटरनल ओपनिंग होती है जिसे हम इंटरनल ऑस कहते हैं, उसके पास में है या उसको कवर कर रहा है, तो हम उसे लो लाइन प्लेसेंटा अथवा प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया की अलग अलग ग्रेडिंग्स होती हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। वो कम्प्लीटली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वह कितना नीचे है, यानी कि जो इंटरनल लॉस है उसके बस पास में है, या उसको पार्शियली कवर कर रहा है, या उसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि महिला को कितनी ब्लीडिंग होने वाली है। तो क्यों होता है प्लेसेंटा प्रीविया? क्यों प्लेसेंटा कुछ महिलाओं में प्लेसेंटा ऊपर पाए जाने की जगह नीचे पाया जाता है? कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिसमें इसका रिस्क अधिक रहता है? तो वे महिलाएं जिसमें कि पहले प्लेसेंटा प्रीविया रहा हो, यानी कि पिछली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा नीचे था, तो इस प्रेगनेंसी में भी नीचे होगा, इसकी संभावना काफ़ी अधिक होती है। वह महिलाएं जिनकी कि बच्चेदानी की शेप में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि बायकॉर्नोइड यूट्रस है या सेप्टम पड़ा हुआ है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसमें भी लो लाइन प्लेसेंटा हो सकता है कि प्लेसेंटा निचली साइड में हो। बच्चे की एबनॉर्मल पोजीशन के साथ भी लो लाइन प्लेसेंटा कॉमनली एसोसिएटेड होता है, यानी कि बच्चा अगर बीच है, उल्टा बच्चा है, या ट्रांसवर्स है, आड़ा बच्चा है, तो उसमें भी प्लेसेंटा बहुत कॉमनली हमें लो लाइन मिलता है, यानी कि निचले हिस्से में मिलता है। अगर महिला की उम्र 35 साल से अधिक है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो भी प्लेसेंटा प्रीविया मिलने की, यानी कि लो लाइन प्लेसेंटा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर प्लेसेंटा का साइज ही बड़ा है, लार्ज प्लेसेंटा है, तो भी वो अपनी साइज के कारण नीचे वाले हिस्से में मिले, यह ऐसा हो सकता है, संभव है। ट्विन प्रेगनेंसी है अगर, यानी कि अंदर एक नहीं दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो भी प्लेसेंटा प्रीविया होने की संभावना अधिक होती है। अगर आपकी यह प्रेगनेंसी IVF से हुई है, यानी कि नेचुरल नहीं हुई, आपने IVF कराया फिर प्रेगनेंसी हुई, तो भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो ये वो कॉमनली कारण होते हैं जिससे कि लो लाइन प्लेसेंटा हमें मिलता है। अब लो लाइन प्लेसेंटा है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी महिला को किस प्रकार की परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है? तो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लीडिंग की, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में 5 महीने निकलते हैं, उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा, स्पॉटिंग भी हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, कभी कभी इसके कारण रिलेशनशिप के बाद में भी स्पॉटिंग देखने को मिलती है, पेन भी हो सकता है, क्रैम्प्स भी आ सकते हैं महिला को। कॉम्प्लिकेशन में भी ये रहता है कि ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, इसके कारण प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, कभी कभी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो बच्चे के चारों तरफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो जाए, उसकी संभावना भी रहती है समय से पहले उनके रप्चर होने की। तो अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि आपके केस में प्लेसेंटा नीचे की साइड में है, तो आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ों का अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको एग्जर्शन नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है, सोते समय भी हम कहते हैं स्पेसिफिकली कि पैर के नीचे तकिए लगा के सोएं, ताकि आपका पैर वाला हिस्सा जो है वह ऊपर की तरफ रहे।
आपको किसी भी तरह का बहुत एग्जर्शन नहीं होना चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा काम का एग्जर्शन होना चाहिए। आपको इंडियन टॉयलेट में बैठ के स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है, आप में लंबा कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, वह भी एक स्ट्रेस की तरह है आपकी बॉडी के लिए, लंबी खांसी नहीं चलनी चाहिए। ये सभी चीज़ें प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में ब्लीडिंग का जो रिस्क है उसको बढ़ा देती हैं। अब अगर बाई चांस आपको ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया है लेकिन अभी तक ब्लीडिंग नहीं हुई है या कभी थोड़ी बहुत हो भी गई है, तो आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ का बहुत हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं ध्यान रखें कि टॉयलेट में वो जाते हैं और कभी भी टॉयलेट को अंदर से लैश नहीं करें, बंद नहीं करें, क्योंकि कभी कभी जब आप स्टूल पास कर रही हैं, एग्जर्ट कर रही हैं, उस टाइम पे हैवी ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। कभी कभी पेशेंट उसके कारण फेंट हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हो, किसी भी समय हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट होने का रिस्क हो सकता है। आपके डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर, आपके हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपके लिए इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल होना चाहिए। एग्जर्शन आपको नहीं करना है, रेस्ट ज़्यादा करना है, पैर के नीचे तकिए लगा के रखना है, लिक्विड का अमाउंट डाइट के अंदर ज़्यादा लेना है, और इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए कि आपको कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरीज में अलाउड नहीं होती है, सिजेरियन ही करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चे के सिर से पहले वो प्लेसेंटा क्योंकि नीचे होता है, तो प्लेसेंटा पहले बाहर आए और बच्चा बाद में आए तो बच्चे का तो ब्लड सप्लाई बिल्कुल चला जाएगा, तो उसके लिए वो माँ और बच्चा दोनों की ही जान के लिए रिस्की होता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती, सिजेरियन ही करना पड़ता है। और कभी कभी हमें ये सिजेरियन जल्दी भी करना पड़ जाता है अगर आप बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग है तो हम पेशेंट को इम्यूनोस्टैटिक ड्रग्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो, बेड रेस्ट पे डालते हैं और कोशिश करते हैं कि 36 से 37 हफ्ते निकल जाए ताकि बच्चा मेच्योर हो जाए। लेकिन कभी कभी अर्ली वीक्स में ही, यानी कि 36 हफ्ते नहीं हुए हैं, सिर्फ 30 हफ्ते ही हुए हैं या 32 हफ्ते ही हुए हैं, तो भी हमें प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में कभी कभी अगर हैवी ब्लीडिंग हो तो जल्दी सिजेरियन करके बच्चा निकालना पड़ सकता है। तो अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको आपकी कंडीशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ब्लड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।